हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के 6 बजे हुए हैं और आज देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा मौसम हो रहा ना। खेतों की हरियाली देखते ही बन रही है। राम राम, कैसे हो? हाँ, दूध लेने जा रहे हो? अच्छा, आज की सुबह कितनी अच्छी हुई है। हाँ, बारिश हो गई थी रात अच्छी। हाँ, सब अच्छा हो रखा है। मैं तोड़ती हूँ यहाँ से एक एलोवेरा, जो कि मेरा एलोवेरा का पेड़ बहुत अच्छा हो गया है। आधा टूटा यार ये तो। चलो इतने ले जाती हूँ अभी। इसमें अगर मिट्टी और होगी ना तो ये सारा भर जाएगा। मैं मिट्टी भरवाती हूँ। और पालक को उबाल दिया है मैंने और इसको मैं पीस लेती हूँ। इस जार में इसको पीस देते हैं। पालक को पीस दिया है मैंने। कढ़ाई में बेसन करके गैस पे रख देती हूँ और 5 मिनट इस बेसन को भून लेते हैं अच्छी तरह से। यहीं पे बेसन के अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। और इसको स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए भूनना। हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पालक पनीर। यहीं पे मैं पालक डाल देती हूँ। इसको मैंने 2 सीटी लगा करके उबाल दिया था। उबाल के मिक्सी में इसको ग्राइंड किया है और इसको भी वेस्ट नहीं होने देंगे। ये भी इसमें घुल के हम डाल देंगे। पहले हम इसको अच्छे से चलाते हैं और दूसरी साइड में तड़का तैयार करूंगी। 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं, क्योंकि अगर जब हम इसके अंदर बेसन डाल देते हैं ना तो जो पानी और पालक अलग हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है, पर इसमें बहुत अच्छी सी चिकनाहट आती है जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं इसको भी फ्रिज में डाल लेती हूँ। ऐसे चलाते हुए बॉइल कर लेती हूँ। फ्लेम पे एक और दूसरी कढ़ाई रख देते हैं तड़के के लिए और ग्रेवी तैयार करने के लिए। मैं नहीं आनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए। थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं।
डालते हैं जीरा, तीन चार लाल मिर्च डालते हैं, खूब अच्छे सारे हिंग डालते हैं। सबसे पहले ये अदरक का, जो अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। अब यहीं पे लहसुन डाल देंगे, इसको भी भूनने देती हूँ अच्छे से, क्योंकि लहसुन की खुशबू अच्छी आती है। प्याज बारीक कट करके रखी हुई है, इसको भी डाल देते हैं। ये तीन प्याज कट कर रखी हुई थी मैंने। ब्राउन होने तक इनको भून लेते हैं। यहाँ पर ब्राउन होने लग रहा है लहसुन और प्याज, हमने बिल्कुल एकदम इसको जलाना नहीं है। यहीं पे मैं इसमें चार, ये मैंने चार टमाटर कट करके रखे हुए हैं, इनको डाल देती हूँ मैं इसमें। अब डालूंगी मैं इसमें स्वादानुसार नमक, कम ज्यादा आप कर सकते हैं इसमें स्वादानुसार। इसमें हम कर देते हैं मसाले ऐड, दो चम्मच धनिया डालते हैं कुटा हुआ, दो चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, कुछ हरी मिर्च मैंने इसमें पीस भी दी थी हरी मिर्च, जब इसको बॉयल होने रख रही थी तब डाल दी थी। बहुत थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी, और इनको भून लेते हैं अच्छे से। देखिएगा ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन गई है, मसाले का ऑयल छोड़ दिया है मसाले में। और यहाँ पे जो मैंने बेसन, और ये बेसन में, बेसन को देसी घी में भून कर और इसके अंदर पालक को डाल करके 5 से 7 मिनट के लिए उबाल दिया था, और अब मैं इसको इसी में ही मिला देती हूँ। मैं इनको स्लो करेंगे। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप इसको अपने अनुसार जितना आपको चाहिए गाढ़ा या पतला वैसा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मुझे ये 5 से 7 मिनट और पकाना है अच्छे से। कढ़ाई को भून करके ये पानी में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैं डालूंगी, तो वीडियो को देखना पूरा ना भूलें। अरे वो प्रदा बोल दो, रिकॉर्ड नहीं हुआ पानी वाला, ये ग्लास का पानी डाला तो मैंने ये ग्लास, आधा ग्लास पानी और डाला था इसी के अंदर, और जो कि ये पानी पानी अलग छोड़ रहा है ना, इसको मैं 10 मिनट और अच्छे से उबलने दूंगी, तब उसके बाद में इसके अंदर में दो सामान और जो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहें, मेरी वीडियो में इसी तरह से बने रहें, और एक बार आप ही जरूर बना करके देखें
तो फिर इसको हम 10 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं। का कलर अच्छा आ गया, देखो इसमें खदका आ गया है। यहीं पे हम डालते हैं बटर, बटर बहुत अच्छा होता है, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। और साथ ही हम पनीर इसके अंदर डाल देंगे, आप इसको तल भी सकते हैं पनीर को, और इस तरह से भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्चा पनीर डाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए और हम इसको ढक के रख देंगे खदकने के लिए, और ये हमारा रेडी हो गया है लगभग। बस सिर्फ 5 मिनट और इसको खदकाना है। देखिएगा मेरा पनीर बनके हो गया है तैयार। उसके साथ में बनाए मैंने पराठे, और काटा है मैंने प्याज का सलाद, और ये है छाछ। तो ये है मेरे सब्सक्राइबर के लिए, प्लीज ये खा लीजिए। कैसा लगा स्वाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। होप सो आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप भी इसी आसान तरीके से अपने घर पे पालक पनीर बनाएं।